देश के लोगों ने सरकार को बचाने के लिए मत किया और जो तानाशाही रही है मोदी जी उनको सबक सिखाया गया। देखिए इस देश में देश के लोगों का जो मिजाज है वो नफरत की राजनीति पसंद नहीं करता, वो बेकार की बातें सुनना नहीं चाहता है, काम की मुद्दे की बात सुनना चाहता है। 10 साल में मोदी जी ने कोई हिसाब नहीं दिया तो जनता ने उनको सबक सिखाया है। तो हम लोग सब लोग आज बैठक में यहाँ आए हैं, 6 बजे हम लोगों की बैठक है और देखते हैं बैठक में क्या सभी लोगों का राय बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग, क्योंकि क्लियर मेजॉरिटी आपको कोई बात बोली नहीं है। अभी अभी हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। बात भी सब बात लोगों की नमस्कार प्रणाम दुआ हुई और क्या, लेकिन बाकी क्या होता आगे आगे देखते रहिए। चलिए अरे कोई नहीं परेशान कर रहा है यार, अब जितना हम बना लेंगे आराम से शांत रहिए ना भाई। आज का दर्जा मिले और जो आरक्षण की सीमाएं जब महागठबंधन सरकार थी बिहार में जो 75% बढ़ाया उसको शेड्यूल लाइन में डाला जाए, और हम लोग जो देश ने मेरा देश महान है और देश की जनता ने मोदी जी को हराया है तो हम उनको देशवासियों को धन्यवाद देते हैं। और तानाशाही के खिलाफ वोट किया गया है, संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट किया गया है, तो हमको लगता है कि अभी जनता जो है मालिक है और हम लोगों को अब जो बैठक है शाम में उसके बाद देखते हैं क्या निर्णय होता है। कहीं ना कहीं जनता इनसे नाराज थी आपको लगता है, कहीं ना कहीं जनता इनसे नाराज थी? एकदम नाराजगी बहुत रही है, जिस हिसाब से तानाशाही चली है, नफरत की राजनीति, मुसलमान भाइयों के प्रति इन्होंने घृणा फैलाने का काम किया, जैसे कि सीटों कम आई है इनकी सर। हाँ थैंक यू।